शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मतलब भाई साहब आज तो ईद का दिन है। अरे भाई मतलब आज तो चस आ जाएगी, आज तो मजा ही आ जाएगा। और ईद के दिन के साथ साथ समझ तो गए होगे आज है सेटअप टूर। मतलब कौन सा सेटअप टूर? जो आपके भाई ने फुल टाइम छुपा के रखा हुआ था और वो सोचा था कि जब वक्त आएगा ना जब भी आपका भाई रिवेल करेगा। और अब तो उसका सीजन भी आने वाला है तो समझ गए होगे थोड़ा बहुत। अभी रुको, जरा सबर करो, ईद वाले दिन जो माहौल होता है ना वो तो बगैर किसी देरी के ईद की तैयारी करते हैं। आज तो ईदी भी मिलेगी। अबे यार नहीं यार, मैं तो बड़ा हो गया यार। मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे ईदी चाहिए। तुम लोग दो ना ईदी यार मुझे। मैं अपना बैंक अकाउंट नीचे डाल देता हूँ, मेरे को ईदी भिजवा देना। फाद भाई तुम लोग को ईदी देते हैं और तुम लोग फाद भाई को ईदी दो, ऐसा कोई गेम करें क्या? चलो आज करते हैं। मतलब मैं अपना बैंक अकाउंट ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और तुम लोग अपना बैंक अकाउंट या ईजी पैसा कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपका भाई भी तुम लोग को ईदी देगा, डन है। 50 लोगों को आपका भाई ईदी देगा, गारंटी है। मतलब टेंशन ही ना लो। तीसरे ईद का दिन हो और इतना खूबसूरत मौसम हो और इतना खूबसूरत ईद का चांद हो, क्या कहने हैं, क्या शेर मारा है आपके भाई ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चीज दिखाऊं, ये चेक करो भाई साहब, आपके भाई का आउटफिट करो। आपका भाई सलवार कमीज के नीचे पहनेगा शूज, मतलब अपना अलग ही स्वैग है भीड़ू। और आपका भाई जो है ना नाड़े वाली सलवार नहीं पहनता, लास्टिक वाली पहनता है। अगर नाड़े वाली सलवार पहनी और ईद की नमाज में नाड़ा खुल गया फिर तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम लोग जिम्मेदार होगे। इसी वजह से आपका भाई जो है वो नाड़े वाली सलवार नहीं पहनता। अब इस चड्डी बनियान में तो ईद की नमाज पढ़ने वाले नहीं है हम, तो बगैर किसी देरी के हम बदलते हैं कपड़े। अबे यार एक तो ये आपके सामने कपड़े बदलने वाला काम है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें दिमाग खराब हो जाता है। बगैर किसी देरी के अब हम कपड़े बदलते हैं, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। चलो भाई जल्दी से ईद की नमाज पढ़ने जाना है यार। अरे भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, लग रहा नहीं लग रहा फिर आपका भाई हीरो, मतलब फुल शपाटर बॉय। मतलब चेक कर रहा है आपके भाई का अलग ही स्वैग है। ये चेक करो शूज, अपना स्टाइल बनाना चाहिए ना यार, कुछ नया लाना चाहिए। बस बात ही खत्म हो गई। तो चलो अब चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे लो मम्मा, ये तो आपने सादी सादी सिंपल सिंपल मेहंदी लगा दी, ये क्या सीन है? कोई बहू लेकर आ जाए जिसको मेहंदी लगाने आती हो, वो आपके हाथों पे प्यारी प्यारी सी मेहंदी बनाएगी, ये क्या बस आपने ऐसी ऐसी लगा लिया यार? छोड़ो यार, कब लेकर आ रही है फिर लड़की? मतलब रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब अब तो बात ही खत्म हो गई ना, आज तो आपका भाई खुशम खुश हो गया। चलो भाई हम अपनी मुन्ना शपाटो को यहाँ खड़ा करते हैं क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सकते हैं। ये चेक करो, मतलब फुल पिछले साल जैसी बाइक थी ना, अभी भी आपके भाई की वैसी, और ज्यादा प्यारी लग रही है, नहीं लग रही? चलो भाई अब बगैर किसी देरी के मस्जिद में चलते हैं क्योंकि नमाज का वक्त होने ही वाला है। चेक करो ये वाली मस्जिद में आपका भाई नमाज पढ़ता है। अभी अंदर चल के आपको माहौल दिखाते हैं, फुल अभी माहौल बना हुआ है, फुल बयान वयान चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग चेक करो यार कितने सारे, सुभान अल्लाह, दूर दूर तक मजमा हो रहा है, कितने लोग हैं। ईद का जो माहौल होता है ना इसका अलग ही लेवल होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल सीन। अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं मगर आपके भाई के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, समझ रहे हो ना? पर इससे भी पहले चले जाते हैं, ये जिंदगी बिल्कुल बेभरोसे जिंदगी है। इसकी खुशी आरजी, इसकी परेशानी आरजी, इसकी बीमारी आरजी, हमेशा खुशी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए तैयारी क्या है? इस रमजान के महीने में जो अल्लाह ने अपने आदि शान किताब उतारी है कुरान करीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं छोटी बड़ी खुशी गमी हर बात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल समझ ले, दीन उनसे सीखे, फिर भी उनकी करे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ईद की नमाज पढ़ ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माहौल चेक करो यार, क्या खूबसूरत माहौल है, हर तरफ नूर बरस रहा है, सुभान अल्लाह, तकब्बलल्लाह मिन्ना वनकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये हमारे फैन भी आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, सबके चेहरों पे नूर है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, वालेकुम। ईद ही नहीं मिलेगी, अभी रुक जाओ, ईद मुबारक। अबे भाई एक मिनट एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मुझे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया सलाम करने का, अस्सलाम वालेकुम, तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ईदन मुबारक व ईदन अलैकुम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ईदी My Eidi, where? मैं तो छोटा हूँ, आप बड़े। Where is my Eidi? Okay. Eidi खत्म। Okay, Jazakumullah. Salaam alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. माशाल्लाह देखो यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं भाई, इधर तो शक्ल दिखाओ। ये देखें ऐसा लग रहा है 10 वक्त का नमाजी, माशाल्लाह इतना नूर टपक रहा है सबके चेहरों से, माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वो देखें भाई लोग आ रहे ईद मिल रहे हैं एक दूसरे से, तकब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। ये खाइए अजवा खजूर पहले आप, नूरानी चेहरे, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लड़कियां फ्लैट है तुम पर बड़ी, मतलब खत्म हो गई है ये मेरी तरफ से, मतलब आपकी तरफ से मुझे
माशाल्लाह माशाल्लाह, 50 वक्का नमाजी है माशाल्लाह, क्या नूर टपक रहा है सुभान अल्लाह। अगर आप दाढ़ी भी रख लेते ना, एक अलग ही लेवल हो जाता आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे फूल लेकर आ रहे हैं यार, क्या माहौल है। मतलब आज तो आपका भाई इतना खुश हो रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है आज आपके भाई के साथ। इतनी इज्जत तो घर में नहीं मिलती, बस जल्दी से शादी भी हो जाए यार आपके भाई की, अब हो जानी चाहिए। इमाम साहब से भी ईद मिलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत हैं यार इमाम साहब माशाल्लाह से। हमें मौका मिलेगा इमाम साहब से मिलने का। अस्सलामु अलैकुम, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ईदन मुबारक। तकब्बल अल्लाह, शरीयत से भाई, अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम। इमाम साहब से भी हमने ईद मुबारक कर लिया। अबे मैं खुद बच्चा हूँ, सुनो तो सही, मैं खुद बच्चा हूँ, मुझे खुद ईद ही चाहिए यार। ये बच्चे सब मुझसे ईद ही मांग रहे हैं यार। इतना खूबसूरत खूबसूरत होना अच्छी बात नहीं है, लड़कियाँ फ्लैट हो जाती हैं, समझ रहे हो। क्या करा जाए इसके लिए, ये करा जाए कि बस ली जाए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे यार माशाल्लाह, सबके चेहरों पे एक अलग से नूर आ रहा है। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ये आपके लिए, ये फूल आपके लिए माशाल्लाह। बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है, सुभान अल्लाह, क्या माहौल है। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। भाई ईदी तो किसी ने दी नहीं आपके भाई को, तो आपका भाई जो है ना, कुछ फैंस आपके भाई के पास आए थे मिलने के लिए, माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत। ये रही हमारी खूबसूरत सी बसंती, खूबसूरत सी भाई, और ये चेक करो भाई साहब, ये आपके भाई को ईदी में मिल चुकी है। मतलब ये मैं लेके जा रहा हूँ और ये छोड़ रहा हूँ, सही हो गया, बस डन हो गया। अरे भाई साहब ये चेक करो यार, इसका एक अलग ही स्वैग है, होंडा 200, इसको चला के देखते हैं हम कैसी है ये। ओए आवाज चेक करो, एक साइलेंसर इसका इधर होता है और दूसरा साइलेंसर इसका इधर होता है। चलो भाई अब हम चेक कर रहे हैं इसका जरा पिकअप विकअप, कि अपनी बाइक से अच्छी है नहीं है। होंडा 200 और ये बहुत कदीम पुरानी है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब चेक करो, ओए होए 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 होए, फुल छपाटा है भीड़ू ये तो। मैं तो बस, मेरा दिल आ गया, ये तो मेरी ड्रीम बाइक है यार। ये देखो आप इसका पिकअप चेक करो, ओए होए ये देखो, ओ भाई भाई साहब, मतलब हल्के में आना ही नहीं है, ये वो बाइक है। और आवाज सुनो इसकी, आहा ये देखो यार, ईद का दिन है और नमाज़े जनाजा जा रहे हैं, क्या यार अल्लाह ताला से दुआ करो यार। ईद की नमाज कहीं और पर ही, मगर पिक्चर खिंचवाने के लिए कहीं और आया, क्योंकि लोकेशन इतनी जबरदस्त है ना, चेक करो, मतलब फुल क्लियर टाइप लोकेशन है ये। आपका भाई रमजानों में भी इधर आया था याद है, बस जल्दी से पिक्चर खिंचवाते हैं और फिर निकलते हैं हम अपने सेटअप टूर के लिए। ऐसी खींची हो रिश्ते वाले को जब भेजू ना, उनकी हालत खराब हो जाए। थोड़े से एक नीचे से फ्रेम बना, दिखा पिक्चर, दिखा कैसी आ रही है। आह इंस्टाग्राम पे डालेगा ना आपका भाई, मतलब आपकी जो वाइफ होगी ना वो फ्लैट हो जाएगी। भाई ईद हो और ईद की पिक्चर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। एक पिक्चर जो इस वाली जगह पे खिंचवाऊंगा, फुल टाइम किले वाली जगह है ना, यहाँ पर खड़ा होकर खिंचवाऊंगा, और सोच रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर खिंचवाऊंगा। अबे तू पिक्चर खींचना चाचू, कॉल आने दे, लानत भेज उसको, एक तो टाइम है नहीं, मुकाबला सख्त है अभी। आ रही अच्छी आ रही है, मतलब हैंडसम लग रहा है आपका भाई। उई उई। ये तो मैं लग ही नहीं रहा कहीं से आला ये। अरे सोनू भाई मोटे सांड, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इतने प्यारे लग रहे हो तुम पीछे से, मतलब हर जगह से। आज तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। ये सब छोड़ो भाई, वीडियो 8 मिनट से भी लंबी हो गई, कब कराएगा सेटअप टूर। अबे रुको जरा, सबर करो, आज जो मैं आपको सेटअप टूर कराने वाला हूँ ना, तुम्हारी सोच के और सुन गई हवा खुश्क हो जाएगी। क्या हम बात करने जा रहे हैं, हवा खुश हो जाएगी, जल्दी कर बर्फानी रीच, मुझे कहीं और भी जाना। चल चलो जल्दी से हम चलते हैं सेटअप टूर देखने के लिए, तो लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, उसी जगह पर आ चुके हैं जिस जगह पे आपके भाई का पूरा सेटअप है, और आपके भाई की आंखों के सामने वो चीजें नजर आ रही है। क्या बोलते हो सुनो भाई, दिखा दे फिर। अबे जल्दी कर ले भाई, 8 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई, बहुत लंबी कर रहा है तू आजकल। अरे रुको जरा सबर करो, इन लोगों ने भी बहुत लंबी किया 4 लाख सब्सक्राइबर करवाने में, अब ये लोग 5 लाख सब्सक्राइबर करवाने में बहुत लंबी करेंगे, मुझे पता है। तो इसी वजह से आपका भाई भी हर दफा ना लंबी करता है थोड़ी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना सेटअप, जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा सेटअप है। दिखाऊं? ये चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करो हमारे प्यारे प्यारे से बोले भाले से जानवर, इतने सारे भाड़ में गए ये जानवर, इतनी बदबू आ रही है गोबर की। अरे इसी बदबू में तो मजा है।
तो चाट लेना मेरे भाई, मुझे क्यों ले आया यहाँ पे? प्योरी सी जानवर है हमारा, ये देखो कितना मासूम सा, अरे भिड़ू, अरे 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 करो, हमारे कितने प्यारे प्यारे से मासूम मासूम से जानवर है। मैंने एक चीज नोट की है, ये बड़ा जानवर मेल है बाकी फीमेल है सारी। ये मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनता, हाँ ये मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनता था, तभी मेरे अब्बा ने जो है ना सारी की सारी बछड़ियाँ डाल दी। तो मजे यार, जिंदगी तो ये जी रहा है, जिंदगी हो तो ऐसी हो। अब मैं आपको पूरा का पूरा अपना सेटअप टूर देता हूँ, तो लेट्स गो। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले हम गिन लेते हैं कि एक बछड़ियां जो है वो कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे थोड़ा सा रास्ता तो दो भीड़ू। 8, 9, 10, 11, अरे भीड़ू 11, मतलब आपका भाई है फुल टाइम एनिमल लवर। और ये जो सेटअप है ना आपके भाई ने किया, तो ये अब्बा का सेटअप है हमारे, मगर अब्बा का है तो हमारा है ना यार, जो अब्बा की चीज वो हमारी चीज। और चेक करो माशाल्लाह से, ओ भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है भाई साहब। ये जो बछड़ा आप देख रहे हो ना, ये बछड़ा हम लोग इसको पालने बचपन से, और ये बचपन से लेके आज तक जो है ना, ये माशाल्लाह से अभी अभी बिल्कुल दो दांत निकले, और थोड़ा सा गुस्से में रहता है ये साला। ये बछड़ा बहुत खतरनाक है। तो बकरा ईद का सीजन भी आने वाला है, मतलब फहद भाई का सीजन आने वाला है, तो मतलब अब मचाने वाला है फहद भाई तबाही। ये चेक कर रहा हूँ, मतलब ये सारे जानवर आपके भाई तैयार कर रहा है बीड़ू। अब ये देखो कैसे भागती हैं, फुल एक्टिव है माशाल्लाह। ये चेक करो, अरे 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 अरे, इतनी सारी औरतों को संभालने के लिए हमने ये मरद। अबे भैंस की आंख, अबे भाई साहब उसकी औरतों को नहीं छेड़े हम, तेरी बच्चियों को नहीं छेड़े हम भाई। इससे पहले के कुछ हो, यहाँ से पहली फुर्सत में कट लेते हैं, पहले सेटअप टूर तो देने दो। मेरा प्यारा प्यारा सा इतना मासूम मासूम सा जानवर है, अबे कौन आ गया दरवाजे पे, कौन? गाड़ी वाली आंटी, मुझे आपसे एक काम है, कोई फोन है? हाँ बोल, क्या काम है? मुझे ये बच्चियाँ चाहिए, एक बच्चियाँ मेरी शादी हो जाएगी, मेरी जिंदगी बन जाएगी, बच्चियाँ दे दे। बच्चियाँ चाहिए? आजा आजा, हमारे पास बहुत बच्चियाँ, आजा आजा आजा, अब आपको कराते हैं हम सेटअप टूर। माँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे शपाटर बछड़ा, इतना ज्यादा शपाटर बछड़ा है, और इतनी सारी शपाटर बची हैं हमारे पास। ये चेक करो पूरी छत कितनी लग्जरी है माशाल्लाह, फुल जुगाड़ों से बनी हुई है, लकड़ियां कंकर हर चीज यहाँ जुगाड़ों से बनी, मतलब क्या खुशबू आ रही है भाई साहब, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक बछड़ा। अगर तुम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर करवा दिए तो आपका भाई इस बछड़े को टहलाएगा। ये चेक करो कितना ज्यादा गुस्से वाला है, ये देखो, अरे भाई साहब 5 लाख सब्सक्राइबर करवा दो आपका भाई फिर इसको टहलाएगा। सेटअप टूर में ये जो आपको पानी पीने की चीज दिख रही है ना, इसको पहचानो, इससे हमने क्या कांड किया था, इसको हमने बनाया था कश्ती। सारी चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, हर चीज को हमने जुगाड़ में लेकर रखा। क्या यार सोनू भाई, जिंदगी हो तो इस चुलबुल पांडे जैसी हो, ये तो जिंदगी मजे से गुजार रहा है, हम तो काट रहे हैं सोनू भाई, इतनी सारी बछड़ियां लेके घूम रहा है यार। बहुत बड़ी गलती हो गई, बछड़ा है बछड़ा, बछड़ा नहीं है अभी, ये तो बछड़ा से बछिया लगता है, शक्ल से बछिया लग रहा है, वो जैसे मम्मी डैडी बच्चे होते ना वैसी, डिफेंस का बच्चा, हाँ वैसी लग रहा है बीड़ू, शक्ल से तू बच्ची लग रहा है मगर तू है बछड़ा। मैं सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत कौन सी है कमेंट में बताओ भाई। इसका कलर ना अलग ही किस्म का, ये देखो इसका मुंह देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह, मक्खन भी कितना प्यारा है, मक्खन मलाई। कितने दांत किए भाई तू, दांत दिखा अपने, अबे दांत तो दिखा, अबे इसके तो कुछ भी नाक नहीं आए हुए, ये तो बिल्कुल अभी बच्चा है छोटा सा। सबसे ज्यादा पुराने पता है कौन कौन सी बची हैं, एक ये, और ये तो भाई इतना सदा ये यहीं पे पैदा हुआ था। ओ भाई साहब मतलब इसने ना बगावत कर दी, इसका कुप चेक करो माशाल्लाह कितना ज्यादा बड़ा है भाई, 5 लाख सब्सक्राइबर करवा दो इसको मैं टहलाऊंगा। बस कर पगले, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है, इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो करेगा ना, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी सारी बीवियां, खर्चा ही नहीं उठा पा रहा। हाँ बात तो सही है वैसे भाई, ये जितनी भी बच्चियां हैं आप देख रहे हो ना, इसकी खिदमत करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो खिदमत करने वाले हमारे भाई ये है, रोशनी, रानो, क्रब, यसरब, सूरज, चांदी और नूरी, इतने भी इन्होंने नाम लिए ना, ये सारे के सारे इन गायों के नाम है। रोशनी ये है काली मगर इसका नाम है रोशनी। सब छोड़ो भाई को लोटा लगा दो। के जूते जो है ना अंदर जाने के लिए वो ये वाले हैं, ये चेक करो रबड़ वाले जूते, अगर ये रबड़ वाले नहीं होंगे तो ये जूते खराब होते रहेंगे, ये इन्होंने अलग से इसके लिए रखे हैं। सेटअप पे हमारे लाइट भी लगी हुई और पंखा भी लगा हुआ है माशाल्लाह। ये पंखा इन जानवरों के लिए ना, मगर ये गुस्से वाले इसके लिए, ये जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। भाई माशाल्लाह से इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवरों को आपको दिखाया, और इतना प्यारा सा हमारा सेटअप था वो आपको रिवील किया, मतलब मजा ही आ गया। एक दफा आप लोग सब माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। भाईजान हाँ बोलो, एक रिक्वेस्ट आपसे,
ये आपने जानवर तो दिखा दी, आप परिंदे भी दिखा दो। अरे रुको, जरा सबर करो, इन लोगों ने 4 लाख सब्सक्राइबर करवाने में इतना मुझे तड़पाया था, थोड़ा सा तो सबर करो। वो परिंदों वाला भी दिखाऊंगा कुछ दिन बाद, थोड़ा सा सबर करो, रुको जरा सबर करो। माशाल्लाह मुर्गा बहुत प्यारा है और अजान भी कितनी प्यारी देता है माशाल्लाह से। तो उम्मीद है यार आपको ये बहुत पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप सबको ईद मुबारक।